अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट मिशन। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। काफी सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल है, क्या हम नर्सिंग में एडमिशन लें गवर्नमेंट सेक्टर में या LHV में, कौन सी फील्ड अच्छी है, उसका किस फील्ड का स्कोप ज्यादा है, उसके हवाले से बता दें। तो स्टूडेंट ये सवाल मुझे व्हाट्सएप पर रिसीव हुआ है, इसके हवाले से मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको लाजमी तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली तमाम तरह एडमिशन की, स्कॉलरशिप्स की, जॉब्स की अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें नर्सिंग की फील्ड की, तो नर्सिंग की फील्ड में सैचुरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो जाना चाहते हैं नर्सिंग की फील्ड में वो बहुत ज़्यादा है। LHV में के हवाले से बात करें तो लेडी हेल्थ विजिटर का 2 साल प्रोग्राम है, इसमें जो है वो सैचुरेशन है सही, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू नर्सिंग। तो LHV में सैचुरेशन कम है, कम्पटिशन इतना ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू नर्सिंग। LHV भी आप गवर्नमेंट सेक्टर में कर सकते हैं, नर्सिंग भी आप कर सकते हैं, लेकिन नर्सिंग में आपको 31,000 प्लस स्टाइपेंड मिलता है, 31,000 प्लस आपको स्कॉलरशिप मिलती है हर मंथली, अगर आपका गवर्नमेंट सेक्टर में एडमिशन हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर में आप एडमिशन ना लीजिएगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के ज़्यादातर इंस्टीट्यूट जो है वो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड नहीं है। आपकी डिग्री पे जो है वो अगर PNC से अप्रूव नहीं होगी, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव नहीं है, तो आपको आगे गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब आप हासिल नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि गवर्नमेंट सेक्टर से डिग्री करें। और अगर हम बात करें इसको कंपेयर करें किस डिग्री का स्कोप ज़्यादा, तो स्टूडेंट्स LHV थोड़ी सी जो है वो लिमिटेड हो जाती है, इसमें आप जो नॉलेज हासिल करते हैं ये थोड़ी सी स्पेसिफिक फील्ड है। LHV लेडी हेल्थ मिनिस्टर में आप जो है वो गायनी के हवाले से आप सारी स्टडी करते हैं, प्रेगनेंसीज के हवाले से कौन सी डाइट जो है वो वुमन को देनी चाहिए, बच्चे को जो है वो न्यूली बोर्न बेबी को किस तरह की जो है वो संभालना है, किस तरह उसको डाइट देनी है, उसके हवाले से आप सारी स्टडी करते हैं लेडी हेल्थ मिनिस्टर की डिग्री में। लेकिन अगर हम बात करें नर्सिंग की फील्ड थोड़ी सी वाइड है, इसमें जॉब्स अपॉर्चुनिटीज भी आपको गवर्नमेंट सेक्टर में मिलती हैं। LHV में भी आपको बहुत ज़्यादा चांस है, बहुत ज़्यादा जॉब्स आती रहती हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। तो LHV थोड़ी सी स्पेसिफिक फील्ड हो जाती है, लेकिन नर्सिंग एक वाइड फील्ड है। हाँ, अगर आप LHV पहले कर लेते हैं उसके बाद आप नर्सिंग की फील्ड में भी जा सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में आप नर्सिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले नर्सिंग कर लें उसके बाद आप LHV की डिग्री भी कर सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने कोई भी कोर्स शुरू कर लिया, नर्सिंग या LHV, कोई भी कोर्स अगर आपने शुरू कर लिया, तो आप जो है वो दोनों डिग्रीज करें, LHV भी करें और उसके बाद आप नर्सिंग की डिग्री भी करें, क्योंकि ये दोनों डिग्रीज करने के बाद आपके पास जॉब्स की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप एज ए इंस्ट्रक्टर के तौर पर भी जॉब कर सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, डिफरेंट जो है वो नर्सिंग कॉलेजेस में, गवर्नमेंट सेक्टर में जो है वो पब्लिक हेल्थ नर्सिंग कॉलेजेस में आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है। इंस्ट्रक्टर जो आपके आपको कॉलेजेस में पढ़ा रही होती हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, उन्होंने LHV भी किया होता है, नर्सिंग भी की होती है। तो अगर आप अकेले नर्सिंग करके इंस्ट्रक्टर के लिए जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगी, तो आपको जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, आपका नॉलेज बुकिश बढ़ जाते हैं, आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाती है जब आप दोनों डिग्रीज कर लेते हैं। उसके लिए दोनों डिग्री कर लें, LHV भी कर लें और नर्सिंग की डिग्री भी कर लें, दोनों का जो स्कोप है वो अच्छा खासा स्कोप है। बजाय कि आप किसी BS प्रोग्राम में जाएं, BS इंग्लिश, BS बॉटनी जूलॉजी, उसमें जस्ट आपके पास टीचिंग बच जाती है, लेकिन ये डिग्री करने के बाद आपके पास टीचिंग भी है, आपके पास अपना क्लिनिक भी आप खोल सकते हैं, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, आप सरकारी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, आपके पास वाइड फील्ड है ये डिग्रीज करने के बाद। तो अगर आपने मेडिकल की फील्ड में जाना है, तो आप मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा आप इनमें से किसी भी डिग्री में पहले एडमिशन ले लें, जो भी आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जिसमें भी आपको पहले एडमिशन मिलता है आप उसमें एडमिशन ले लें, उसके बाद आप दूसरी डिग्री कर लें या एक डिग्री करने के बाद। तो ये आपके पास बहुत बेहतरीन ऑप्शन है जितने भी मैंने आपको बताया, LHV और नर्सिंग। आपकी फी भी नहीं होती, आपके जो है वो एक्सपेंडिचर्स भी इतने नहीं होते। BS की अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा उधर आपकी फ़ी होगी, आपके एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इधर तो आपके हॉस्टल के चार्जेस भी ना होने के बराबर ही होते हैं। तो आपके पास बेहतरीन ऑप्शन है गवर्नमेंट सेक्टर में पब्लिक हेल्थ नर्सिंग कॉलेजेस में LHV के एडमिशन अभी भी ओपन है, आप उसमें अप्लाई कर लें। अप्लाई का प्रोसेस जो है वो चल रहा है, कुछ जो है वो मसला भी आ रहा है, डिस्टर्बेंस भी आ रही है अप्लाई के दौरान, लेकिन वो एक दो दिन तक सेट हो जाएगा। तो आप अलर्ट रहें, चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, जैसे जैसे किस तरह अप्लाई करना है वो मैं आपसे वीडियो भी शेयर कर दूँगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोशिश करें दोनों डिग्रीज कर लें, ये आपके पास बेहतरीन चॉइस है। इस तरह की मजीद जॉब्स की, स्कॉलरशिप्स की अपडेट्स को हासिल करने के लिए चैनल को भी लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।